अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। टुडे इज वेलकम टू योर क्लास, प्रैक्टिकल क्लास। लास्ट जो थी वो क्लास जो थी हमारी थ्योरी थी, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल जो हम कर रहे थे वो सारे प्रैक्टिकल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कर रहे हैं, तो आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने जो प्रीवियस जो आपके प्रैक्टिकल हुए हैं आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी घर पर। और जब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि COVID-19 की वजह से अब जो है मैं आपके प्रैक्टिकल नंबर जो है वो ज़्यादा होंगे और प्रैक्टिकल अब थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए इतने डिटेल में प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। एक एक टेप को बताया, अलग अलग क्लासेस में उसको एक एक टेप को आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। इसको प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी के घर में कंप्यूटर मौजूद ना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, सबको पता है लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो सर्च वेब में जाके ग्रेड 3 हम वहाँ पर सर्च करेंगे, और वेब एंड विंडोज जो भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे और उसको क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। और जिस तरह से हम न्यू पेज लेते थे यहाँ पर हमारा ऑफिस बटन है, यहाँ से हम न्यू पेज उसको ओपन कर लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हमने न्यू पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। वही तरीका है जिस तरह से करा था हमने। होम टैब हमारा हो चुका था, इंसर्ट में हमारा एक टेक्स्ट के टैब में हम जो है आज करेंगे वर्ड आर्ट, ठीक है। अगर हमें कोई भी डेकोरेटिव टेक्स्ट जो है इन एंटर आपके डॉक्यूमेंट में करना होता है, ठीक है। डेकोरेटिव मीन्स कोई भी ऐसा जिसको आप डेकोरेटिव टेक्स्ट जो है इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो वर्ड आर्ट की मदद से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये आपका होम टैब के पास इंसर्ट टैब में आपका टेक्स्ट फैमिली के साथ ये वर्ड आर्ट मौजूद है जिसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें वर्ड आर्ट में हमें डेकोरेटिव टेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक स्टाइल नंबर 22, स्टाइल नंबर 33, 16, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्टाइल ले लेते हैं ताकि हम क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ रहा है योर टेक्स्ट शेयर, ठीक है। यहाँ पर हमें अब टेक्स्ट राइट करना है, यहाँ पर करेंगे तो हम इसको बैक स्पेस की मदद से इसको हम टेक्स्ट को इरेज कर देते हैं, और जो हमने इम्पेक्ट लिया है, ठीक है, जो हमने वर्ड आर्ट में अभी ऑप्शन जो हमने डेकोरेटिव स्टाइल लिया है वो हमारा इम्पेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट कर लेते हैं, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। स्कूल का नाम मिनारेट मॉडल स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हमने स्कूल का नाम यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ ओके करेंगे, देखें ओके क्या है। जिस स्टाइल में हमको चाहिए था वो स्टाइल में यहाँ से हम कॉर्नर्स इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, देखें। अब अगर हमें इस फॉर्मेट इस स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से हम देख लेते हैं इसको नाइट मॉडल स्कूल, ये डिफरेंट साइज हमने वर्ड आर्ट में इसको चेंज कर लिया, ओके। अब आपको इसके आउटलाइन डिफरेंट करनी है, यहाँ से हम आउटलाइन डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। शेप फिल आपको डिफरेंट करना है तो यहाँ शेप फिल अलग कर लेते हैं लाइक दिस, देखें, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल से अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, ओके। यहाँ से चेंज शेप चेंज करना है लाइक इस तरह से करना है, डिफरेंट शेप वेव स्टाइल में आ जाएगा, यहाँ पे वेव टू, ओके। किसी भी स्टाइल में किसी भी शेप में आप उसको लिख सकते हैं दिस,
लाइक दिस व्हील चेयर. टॉप ठीक है, हमने डिफरेंट स्टाइल में चेंज कर दिया. ठीक है, यहाँ से शेडोज इस इफेक्ट जो है, यहाँ से 3D इफेक्ट्स भी यहाँ से आप ले सकते हैं. 3D इफेक्ट्स शेप में आ सकते हैं, इसकी कलरिंग में आ सकते हैं, जिस तरह से आप 3D कलरिंग भी आ गई इसमें. 3D कलरिंग कौन सी आपको देनी है, बस इसको ओपन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके साथ खूब खेलें, गेम्स को छोड़कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, यहाँ से शेडो इफेक्ट भी है, यहाँ से शेडो का इफेक्ट, ये देखें शेडो इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, ये आप चेंज कर लें. ये है आज का प्रैक्टिकल, इसकी प्रैक्टिस करेंगे सब मिलकर, सब घर पे, ताकि जब स्कूल आए तो इसकी प्रैक्टिस हो. ठीक है क्लास, आज आपका प्रैक्टिकल था वर्ड आर्ट, आज थोड़ा छोटा आपका प्रैक्टिकल है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जब तक